खबरें आलमी मंजरनामे से। सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल के मामले पर अमरीका के बाद उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात और बरतानिया ने भी कनाडा की हमायत का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 6 अक्टूबर को कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने बरतानवी हम मनसब ऋषि सोनक से टेलीफोनिक राबता किया। 8 अक्टूबर को कैनेडियन वजीर आजम और सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन जियाद के दरमियान नजर के कत्ल के मौके पर बातचीत हुई, जबकि 9 अक्टूबर को जस्टिन ट्रूडो ने उदन के फरमारवा अब्दुल्ला बिन अल हुसैन को भी हमायत हासिल कर ली। बरतानिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्मरानों ने भारत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर जोर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा है कि कानून की पासदारी तमाम ममालिक पर लागू होती है। शेख मोहम्मद बिन ज़ियाद ने कानून की बालादस्ती और शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ पर गहरी तशवीश का इज़हार किया। इसराइल की नाहते फलस्तीनियों पर बमबारी जारी है। सिहोनी अफवाज ने चंद दिन में 200 शहरी मकामात को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 900 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद जबकि 4600 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। शुहदा में 143 बच्चे और 105 खवातीन शामिल हैं। तफसीलात के मुताबिक काबिज इसराइली फौज ने बुजुर्ग खवातीन जख्मियों और अस्पतालों पर वहशियाना बमबारी की। जख्मियों को अस्पताल ले जाने वाली 4 एम्बुलेंसेस पर भी हमला किया गया। इसराइल की वैरियर ने भी कार्रवाई में हिस्सा लेते हुए गजा के साहिल पर शदीद बमबारी की। फलस्तीनी मुजामती तहरीक हमास ने जुम्मे के रोज अवाम से योम तूफान अक्सा मनाने की अपील कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमास ने इसराइल के खिलाफ ऐलान कर देने वाली मिलिट्री ऑपरेशन तूफान अक्सा की बेमिसाल कामयाबी पर फलस्तीन समेत दुनिया भर के मुसलमानों से जुम्मे के रोज योम तूफान अक्सा मनाने की अपील कर चुका है कि इसराइली जारियत के खिलाफ यकजहती के लिए मैदान में निकले। हमास ने मुतालबा किया कि दुनिया भर के मुसलमान नमाज जुमा के बाद अल्लाह के शुक्र गुजार हों और इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाज करें ताकि आलमी दुनिया काबिज इसराइली फौज के मुजालिम से आगाह हो।